बेड में कितने समय तक चलना चाहिए, इसके बारे में काफ़ी सारे सवाल हमें आते रहते हैं। उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बेड में कितना समय तक चलना चाहिए या सेक्स कितना समय तक चलना चाहिए, इसके पहले हमको ये जानना जरूरी होगा कि सेक्स मतलब क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो जब ये टाइम का सवाल आता है, तब हमको ये जानना जरूरी है कि सेक्स एक्चुअली किसको बोलते हैं। सेक्स में एक्चुअली 3 पार्ट है, एक है फोर प्ले, एक है सेक्स मतलब इंसर्शन, और तीसरा है आफ्टर प्ले। अभी हम जब टाइम की बात करते हैं तो वो इंसर्शन का टाइम बोलते हैं, मतलब लिंग का योनि में प्रवेश होना, वहाँ से इजैकुलेशन होता है तब, और जब पेनिस बाहर आता है तब। मतलब अंदर जब जाता है पेनिस लिंग में, तो अंदर जाने का समय और बाहर निकालने का समय, ये समय जो है वो कितना होना चाहिए, या इजैकुलेशन का टाइम कितना होना चाहिए। तो क्योंकि इजैकुलेशन एक बार हो गया तो वो बाहर ही निकल जाता है, या बाहर निकालना ही पड़ता है। इसलिए वो सेक्स बोले तो इंट्रा वजाइनल टाइम जो है, मतलब वजाइना का पेनिस का टाइम जो है, ड्यूरेशन है इजैकुलेशन के पहले का, उतना गिना जाता है। अभी अलग 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 रिसर्चेस हुए, तो उसमें जैसा समझो अभी साइंटिस्ट लोगों को पूछा तो कॉमिकली वो ऐसा बोल सकते हैं कि इंट्रा वजाइनल इजैकुलेशन लेटेंसी टाइम वो कितना है, मतलब IELT, इंट्रा वजाइनल इजैकुलेशन लेटेंसी टाइम वो कितना बढ़ाने का है भाई, ऐसा बोल सकते हैं साइंटिफिकली। या फिर एस्टिमेटेड आइडियल लेंथ कितनी होना चाहिए, एस्टिमेटेड आइडियल लेंथ जो है, तो साइंटिस्ट के मुताबिक एस्टिमेटेड आइडियल लेंथ जो है वो 16 मिनट है, एस्टिमेटेड एक्चुअल लेंथ जो है वो 9 मिनट की होनी चाहिए। मगर ये सब देखने के बाद में, या सब स्टडी करने के बाद में, एक्चुअली जब स्टडीज़ की गई तो स्टडीज़ में ये मालूम पड़ा 500 कपल्स के ऊपर स्टडी की गई, और वो पूरे दुनिया के लोग थे, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग थे, और उनके ऊपर वो स्टडीज़ की गई। उनको स्टॉप वॉच दिया गया, और उनको स्टॉप वॉच देके उनका एक्चुअली जब इंसर्शन होता है, मतलब लिंग का योनि में प्रवेश होना और इजैकुलेशन होना, वो टाइम गिनो ऐसा उनको बोला गया। और वो जब बोला गया और वो स्टडीज़ किए, तो अक्रॉस ग्लोब मतलब दुनिया में सब तरह जब ऐसी स्टडीज़ की गई, बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट्स मालूम पड़े। जब ये स्टडी के रिजल्ट मालूम पड़े तो उसमें दिखाई दिया वो रिजल्ट्स में कि रेंज बहुत वेरी थी, 33 सेकंड से 44 मिनट, इतना वेरिएबल था। मतलब कुछ लोग 33 सेकंड में, तो कुछ लोग 44 मिनट तक लास्ट किए, इतना लंबा टाइम चला कुछ लोगों का। तो फिर इसमें एवरेज निकाला गया, एवरेज मालूम पड़ा कि 5.4 मिनट्स जो है, तो एवरेज में 5.4 मिनट यदि आपका है, कम ज़्यादा 1-2 मिनट ऊपर नीचे, तो वो नॉर्मल टाइम पाया जाता है। मगर जब लेडीज़ को पूछा गया कि भाई आपको कितना चाहिए, कितना समय आपको वो पेनिस अंदर रहे या सेक्स चले तो आपको कितना अच्छा लगेगा, तो लेडीज़ का जो स्टडीज़ किया गया उसमें मालूम पड़ा कि 25 मिनट तक उनको अच्छा लगता है, मतलब उनको प्लेजर लगता है कि भाई 25 मिनट तक रहा तो अच्छा है। अभी ये सब बातें जो है कुछ बहुत ही थियोरेटिकल है और बहुत प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में हमको यही देखना है कि भाई एवरेज में 5 मिनट, 6 मिनट या 4 से 6 मिनट चलता है तो ठीक है, और मिनटों से भी ज़्यादा महत्व का यह है कि दोनों को समाधान मिलता है क्या, दोनों को सुख मिलता है क्या, दोनों को ऑर्गेज्म होता है क्या। यदि वो चरम सीमा पे दोनों पहुँचते नहीं हैं तो फिर प्रॉब्लम है, फिर टाइम का महत्व नहीं है। यदि पहले स्त्री को ऑर्गेज्म हो जाता है, वो चरम सुख उसको पहले मिल जाता है, बहुत ही अच्छा है, वो उसको पहले नहीं मिला और पहले पुरुष का ऑर्गेज्म हो गया और उसने इजैकुलेट कर दिया, तो जिम्मेवारी पुरुष की होती है कि उसने फिर स्त्री को कंप्लीट करके देना जरूरी है। फिंगरिंग करो, स्टिमुलेशन करो, क्लाइटरल स्टिमुलेशन करो और स्त्री को समाधान दो। ये जो स्टडीज पाई गई उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग रिजल्ट्स आए। जैसे तुर्की में 4.4 मिनट का रहा एवरेज ड्यूरेशन, तो यूके में 10 मिनट रहा, मतलब बहुत वेरिएबल ऐसे रहे। अभी एक्चुअली क्या होता है, ये स्टडीज़ के ऊपर कितना भरोसा रखना ये भी थोड़ा क्वेश्चनेबल होता है, क्योंकि ऐसा है कि उस समय तो कोई साइंटिस्ट वहाँ रहते नहीं बेडरूम में, वो तो वो कपल को ही दिया जाता है स्टॉप वॉच, वही सब गिनते हैं। तो एक्चुअली कितना भरोसा है स्टडीज़ के ऊपर रखना, ये तो क्वेश्चनेबल कभी कभी हो जाता है। एनीवे दोनों को
दोनों ने एक दूसरे को कम्युनिकेट करना, समाधान हो गया तो कम्युनिकेट करना, समाधान नहीं हुआ तो कम्युनिकेट करना, ये बहुत महत्व का है। कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस, ऐसा बोलते हैं सेक्स में। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे दिए नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।